अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंडर, वेलकम टू आवर सिक्स्थ लेक्चर। स्टूडेंट, दिस लेक्चर इज अबाउट फ्रेजल वर्ब्स। सो आई हैव मेंशनड हियर फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रेज एंड क्लॉज, एंड मेनी टाइम वी हैव डिस्कस्ड इन क्लासरूम दैट व्हाट इज फ्रेज एंड व्हाट इज क्लॉज। सो फ्रेज इज स्टूडेंट बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड एंड फ्रेज इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू। बोथ आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट व्हेन एवर यू टॉक अबाउट फ्रेज, फ्रेज गिव्स अस इनकम्प्लीट मीनिंग और इनकम्प्लीट सेंस। सो आई हैव मेंशनड हियर इनकम्प्लीट मीनिंग। इस मीन फ्रेज गिव्स अस इनकम्प्लीट सेंस एंड इनकम्प्लीट मीनिंग। सो स्टूडेंट, यू कैन फाइंड हेयर अ सेंटेंस। आई हैव डिवाइडेड दिस सेंटेंस इन टू पार्ट्स। द फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फाइंड अली गोज टू स्कूल। सो आई हैव डिवाइडेड दिस सेंटेंस इन टू पार्ट्स, अली गोज एंड टू स्कूल्स। सो यू कैन फाइंड दैट विच पार्ट इज गिविंग यू बेटर इन्फॉर्मेशन, इधर अली गोज और इधर टू स्कूल। ऑब्वियसली अली गोज, यह आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। सो इस मीन कि अली गोज जो क्या है, ये आपका क्लॉज है। ऑन द अदर हैंड, टू स्कूल, टू स्कूल एंड अली गोज बोथ आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट टू स्कूल, स्कूल को क्या, ये आपको प्रॉपर मैसेज नहीं दे रहा। इस मीन दैट इज द फ्रेज, अली गोज दैट इज अ क्लॉज एंड टू स्कूल दैट इज अ फ्रेज। नाउ यू कैन, नाउ वी कैन डिस्कस दैट व्हाट इज फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब इज बेसिकली अ कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। वी कैन मेक अ फ्रेज बाय द यूज ऑफ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और बाय द यूज ऑफ वर्ब प्लस एडवर्ब। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द यूज ऑफ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। बस यू मस्ट कीप इन माइंड दैट विदाउट वर्ब यू कैन नॉट फाइंड एनी फ्रेजल वर्ब। वर्ब इज बेसिक एंड इम्पोर्टेंट पार्ट इन फ्रेजल वर्ब। सो आई हेयर यू कैन फाइंड एन एग्जाम्पल with a combination of verb plus preposition, how can we make a phrasal verb? So I have mentioned here bring in. So you can see bring is a verb and in is a preposition. So we will be able to find a new phrasal verb with the use of verb plus preposition, as we have talked about here, that with the combination of verb plus preposition or with a combination of verb plus adverb, we will be able to make a new phrasal verb. Here we have discussed verb plus preposition, that with the usage of verb plus preposition, we will be able to make a new phrasal verb, that is a bring on, bring in. On the other hand, point number two, that is the usage of verb plus adverb. That how can you make a new phrasal verb with the use of verb plus adverb. So you can say throw away. So throw is a verb, away is adverb. So with the use of verb plus adverb, we'll be able to make a new phrasal verb. So hope so यहाँ तक student आपको understanding इसकी हो गई होगी। अब हम जो है अपनी basic phrasal verb वो start करते हैं। So students, let's start from basic examples here. You can find first phrasal verb, that is act for. Act for mean किसी की जगह या किसी के लिए काम करना। A lawyer acts for his client. एक वकील अपने मुवक्किल के लिए काम करता है। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हो a lawyer, ये हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ s का इजाफा किया और ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सिमिलरली यू कैन फाइंड ऑप्शन नंबर टू, दैट इज एक्ट अंडर, मजबूरन या दबाव के तहत काम करना। द सोल्जर्स, सिपाही या फौजी एक्टेड अंडर द ऑर्डर्स ऑफ देयर जनरल, फौजी अपने जनरल के हुक्म पर काम, फौजियों ने अपने जनरल के हुक्म पर काम किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो द सोल्जर्स, ठीक है, ये थर्ड, ये हमारे पास थर्ड पर्सन प्लूरल है। उसके बाद एक्टेड, एक्टेड को आप देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारे पास कौन सा टेंस है, ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद है एक्ट ऑन, पर असर अंदाज होना। हीट एक्ट्स ऑन वाटर एंड मेक्स इट बॉइल। तो स्टूडेंट मैंने आपको इसमें एक चीज़ आप नोट करें, मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जब ये एंड कंजंक्शन हमारे पास एक सेंटेंस में आएगी तो सेंटेंस जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा सेंटेंस दो हिस्सों में डिवाइड होगा। अगर इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है तो दूसरे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। अगर इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने यूज़ किया तो इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एंड जो है वो कंजंक्शन है यहाँ पर। तो हीट एक्ट्स ऑन वाटर, हीट गर्मी पानी पर असर अंदाज होती है, एंड मेक्स इट बॉयल और इसे उबलाती है। ठीक है, तो एंड पे ती है आ रही है दोनों के, तो उससे भी हमें पता चल जाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ऑन द अदर हैंड, एक्ट अपॉन, पर अमल करना। वी शुड एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ आवर टीचर्स, हमें अपने असाज़ा की नसीहत पर अमल करना चाहिए। एक्ट अप टू, निभाना या पूरा करना। आई ऑलवेज एक्ट अप टू माई प्रॉमिस, मैं हमेशा अपने वादे निभाती हूँ। आस्क फॉर, आस्क आफ्टर, हाल पूछना। ही ऑलवेज आस्क आफ्टर यू इन हिज लेटर, वो हमेशा अपने खत में तुम्हारा हाल पूछता है। आस्क फॉर, मांगना।
He asked for a glass of milk. इसने दूध का एक गिलास तलब किया या इसने दूध का एक गिलास मांगा. तो स्टूडेंट इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद आस्क्ड, वर्ब की हमने सेकी फॉर्म यूज़ की, तो ये कौन सा टेंस बना? ये भी हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट टेंस बना. उसके बाद हम लोग सेट नंबर टू, जो कि सेट नंबर वन था एक्ट, सेट नंबर टू था बेयर. अब हम बेयर स्टार्ट अपना सेट कहते हैं. सो यू कैन फाइंड फर्स्ट फ्रेजल वर्ब दैट इज बेयर डाउन, कुचल डालना. ही कुड बेयर डाउन ऑल अपोजिशन, ठीक है, उस वो तमाम मुखालफत बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है. उसके बाद पॉइंट नंबर टू, दैट इज़ बेयर डाउन ऑन सख्त सजा देना. द कोर्ट मस्ट बेयर डाउन ऑन यंग क्रिमिनल्स, कोर्ट्स को या अदालतों को नौजवान मुजरमों को सख्त सजा देनी चाहिए. उसके बाद है बेयर ऑफ या बेयर अवे, इसका मतलब होता है जीतना. ही बोर ऑफ मैनी प्राइजेज इन द एसे राइटिंग कम्पिटिशन, उसने मुकाबला मजमून नवीसी में बहुत सारे प्राइजेस जीते. एंड पे बड़ी ये आ रहा है स्टूडेंट, तो हमने बात किया जब भी कि उर्दू में किसी वर्ड के एंड में अलीफ बड़ी और छोटी ये आ जाएगा तो वो कौन सा टेंस होगा, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, जिसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे. तो यहाँ पे बेयर था और यहाँ पे हमने बोर लगाया था. ये क्यों लगाया? क्योंकि ये अब ये इधर ये जो था ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की गई थी, लेकिन इधर जब हमने इसको सेंटेंस में यूज़ किया तो वो कौन सा टेंस बना? वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना, जिसमें हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं. ऑन द अदर हैंड बेयर आउट, बेयर आउट का मतलब तस्दीक करना. विल यू बेयर आउट माई स्टेटमेंट, क्या आप मेरी बयान की तस्दीक करेंगे? उसके बाद पॉइंट नंबर सेकेंड लास्ट पॉइंट, दैट इज़ बेयर अप, बर्दाश्त करना. अ ब्रेव मैन, एक बहादुर आदमी, शुड बेयर अप द मिसफॉर्च्यून्स दैट फॉल अपॉन हिम, एक बहादुर आदमी को इस बदकिस्मती को बर्दाश्त करना चाहिए जो इस पर पड़ती है, ठीक है. उसके बाद अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो है बेयर विद, बर्दाश्त करना या गुजारा करना. इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग है वो है गुजारा करना, बेयर विद गुजारा करना. आई कैन नॉट बेयर विद हर, मैं उसके साथ गुजारा नहीं कर सकता या मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है. स्टूडेंट ये आपके दो सेट हो गए. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग सेट नंबर 3 एंड 4 डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़.